किस तरह की कहानी है, किस तरह का किरदार कर रहे हैं इसके बारे में? सेकेंड हैंड हस्बैंड एक बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी एंटरटेनिंग फिल्म है, और इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म भी है जो है एलिमनी। एंड मेरा इस फिल्म में किरदार है गुरप्रीत, जो कि एक लॉयर है, और वो बहुत ही नाइव और पैम्पर्ड कैरेक्टर है अपने फैमिली की। एंड मैं इस फिल्म में गिप्पी की गर्लफ्रेंड भी हूँ और इनकी लॉयर भी हूँ। जिस तरह से पोस्टर में दिखाया गया है कि पंजाब का पूरा तड़का दिखाई दे रहा है, तो क्या फिल्म में भी इस तरह उस तरह का सीन रहेगा पंजाब से? जी, हमारा जो फिल्म है वो पंजाब में बेस्ड है, बिकॉज़ द स्टोरी रिवॉल्व्स इन पंजाब। लाइक ये पंजाब की एक एक लड़के की कहानी है जो बेसिकली अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहता है, एंड द एंटायर फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड पंजाब। दैट यस, पंजाबी तड़का डेफिनेटली है। पंजाबी में ज़्यादातर देखिए म्यूज़िक जो है काफ़ी हटके रहता, तो इस फिल्म में कुछ ऐसा म्यूज़िक दिखाई देगा जो पंजाबी म्यूज़िक को ज़्यादातर हम जो मुंबई करते हैं डांस काफ़ी करते, तो इसमें कुछ म्यूज़िक रहेगा ऐसा? जी जी बिल्कुल, अभी तक जितने भी गाने हमने शूट किए हैं और जितने भी गाने मैंने सुने हैं तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, एंड बहुत ही अच्छे और डांस नंबर्स काइंड ऑफ है, तो यस आई थिंक हम मुंबई आइट्स को भी पसंद आएगा। हमने पोस्टर में देखा है कि नो वारंटी नो वारंटी, उस टाइटल के बारे में बताइए क्या ये टाइटल? ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि सेकेंड हैंड हस्बैंड एक तो है ऑलरेडी, एंड आजकल तो फर्स्ट हैंड की कोई गारंटी या वारंटी नहीं होती है, तो दैट इज़ द रीज़न इट्स गॉट दैट टैग। इसमें कुछ सुना है कि आपके नाम में बदलाव है, नर्मदा से टीना हो गया? नहीं, नाम में मेरे कोई बदलाव नहीं आया, मेरा नाम नर्मदा था और रहेगा, और मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी नर्मदा से ही है, बट टीना मेरा पेट नेम है और मैं फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री में उसे यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, हमने सुना काफ़ी समय से कि आप बॉलीवुड में एंट्री कर रहे थे, क्या वजह है इस फिल्म में काम करने का, क्या स्क्रिप्ट कैसा लगा आपको? जी, इस फिल्म को साइन करने का एक ही वजह था, वो था मेरा कैरेक्टर गुरप्रीत, इस फिल्म का स्क्रिप्ट और इस फिल्म के डायरेक्टर, एंड देन ऑफ कोर्स धर्म जी केम इन ऑन बोर्ड, गिप्पी वाज देयर, सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट या डेफिनेटली आई साइन दिस फिल्म बिकॉज द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म एंड बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर। फिल्म में काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, जिस तरह से बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्म जी है, उनके बारे में कुछ कहेंगे? उनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि धर्म जी मेरे पिता के आइडल रह चुके हैं, मेरी मम्मी के फेवरेट एक्टर रह चुके हैं, तो बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही थी मैं, क्योंकि पहली पिक्चर में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ही वॉज़ वेरी स्वीट टू मी एंड वेरी कम्फर्टिंग, कि यू नो इट वॉज़ माई फर्स्ट फिल्म, सो ही डिडंट मेक मी फील लाइक अ न्यू कमर और एनी थिंग एज सच, सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। जाते जाते 3 जुलाई को मूवी आ रही है, फैंस के लिए क्या कहना चाहूँगा? मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सब थिएटर में आइए, हमारी पिक्चर देखिए, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं आप आइए पिक्चर देखिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और हमें एक मौका दीजिए आपको एंटरटेन करने का, एंड आई होप योर लाइक द फिल्म एंड सी यू इन द थिएटर्स ऑन 3rd July। थैंक यू। थैंक यू।